हेलो फ्रेंड्स, job.com में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक वैकेंसी को लेकर आए हैं जो ये परमानेंट पोस्ट है। जी हाँ, ये परमानेंट पोस्ट है और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है। तो देखते हैं, इसको हम लोग AEES बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे हमारे ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर जो आता है आपका NVS, नवोदय विद्यालय संगठन, ये भी वैकेंसी आता है। ठीक है, और KVS, ये सब देख रहे हैं ना, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस बॉडी है। तो उसी तरह का जस्ट ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं है ना, उसी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल ऑफिस ऑफ द वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, जो ठीक है AECS 6, ठीक है, अनुशक्ति नगर मुंबई जो है ये है। रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स, यहाँ टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी जो है रन 30 स्कूल्स जो है, जूनियर कॉलेज लोकेटेड एट 15 सेंटर्स डिफरेंट पोस्ट ऑफ द इंडिया, एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश मीडियम है। पे एंड अलाउंसेस आर गिवेन जो है एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो भी है रूल्स वो दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या कुछ सब्जेक्ट है हम देखते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट सबसे फर्स्ट में PGT के लिए है, PGT इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, ये है PGT के लिए। और सीट है फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ SC के लिए, इंग्लिश के लिए 0 0, और OBC के लिए भी 0, UR के लिए 2 पोस्ट दिया, टोटल 2 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखिए डिटेल वैकेंसी जो है किस तरह की सब्जेक्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे हिंदी का दिया हुआ है SC के लिए 0, SC 1, OBC 0, EWS 0, UR के लिए 1, टोटल 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इसके बाद फिजिक्स के लिए है यहाँ पे 0, ST के लिए भी 0, OBC के लिए 0, EWS के 0, UR जनरल के लिए 1 है, तो 1 पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए भी इसी तरह का 0 0, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी मैथ्स का जैसे यहाँ पे 1 है PGT, और UR के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, टोटल 4 है। तो वैकेंसी को इस तरह से देख लीजिए प्लीज़। आप सबको बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं बताऊँगा है ना। तो डिटेल यहाँ पे आप देख लीजिए। TGT के लिए इसी तरह का आपका इंग्लिश सोशल साइंस संस्कृत हिंदी संस्कृत मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस। PET के लिए आपका दिया हुआ मेल फीमेल के लिए भी है, PRT आर्ट के लिए है, मराठी के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे है, PRT के लिए है, PRT की म्यूजिक के लिए है, प्रेप के लिए है, ये सारा वैकेंसी है। तो आप बैठे के वैकेंसी जिनका जो भी सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि दो कैंडिडेट अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द PWBD क्वाइट विल बी एडजस्टेंट अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन ऑफ द SC ST कैंडिडेट एंड OBC EWS UR ऑब्जर्वेशन PGT पोस्ट ग्रेजुएट TGT PRT। ठीक है, प्रेप SD है ना, ये वैकेंसी है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका 21/5 को आ जाएगा है ना। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन का ये 12/6/2022 को है। ठीक है, तो जब भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ये www.aees.gov.in है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जब भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन अगर स्टार्ट होता है तो फिर आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको आप तक जानकारी पहुँचानी थी कि ये वैकेंसी जो है आपका आ गया है। ठीक है, ये अच्छी वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 7 पे कमीशन, देखिए लेवल 8, 7 और 6 का ये लेवल का जॉब है, देख रहे हैं ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है और आपको ये अच्छी खासी वैकेंसी, मतलब तो वैकेंसी पोस्टिंग इसी तरह का रहता है, ज़्यादा पोस्ट है नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं है ना फ्रेंड्स। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं
अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास आप नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जल्दी से जल्द। तो इसी तरह का मैं वीडियो लाता हूं टीचिंग और नॉन टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करें। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।